welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the topic that is System Approach to Educational Administration. I have already discussed with you System Approach to Educational Technology, but still I have made this another video on System Approach, that is, if something has been left, that it will be covered in this very topic, this very video. Okay, so let's start. First of all, एक बात ध्यान दीजिए, देखिए सिस्टम अप्रोच की जब बात हो रही है, आप सिस्टम अप्रोच समझ लीजिए, बस वो आपसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पूछे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे, एजुकेशनल मैनेजमेंट में पूछे, आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है. मोटा मोटा है क्या सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संग्रहण है, कुछ आपने इकट्ठे किए हैं, कुछ चीज एकत्रित किए हैं और उनको एक होलिस्टिक होल दिया है, एक उनको कहते हैं ना, सिस्टम इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ऐसा करके आपने उसको तैयार किया है और आप सिस्टमैटिक चल रहे हैं सिस्टम अप्रोच में, यानी कि आप स्टेप वाइज चलेंगे, आप प्लानिंग करके चलेंगे, आपका सब सुनियोजित होगा, प्लान्ड होगा, प्री प्लान्ड होगा, ये सब आप जहां अप्लाई करेंगे वो सिस्टम अप्रोच हो जाएगा, ये समझ लीजिए. तो सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बना चुकी थी, फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ उसमें रह गया हो, वो इसमें कवर हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि सिस्टम या सिस्टम अप्रोच एजुकेशन में किस तरह से यूज होता है. तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज डिफाइंड एज एन असेंबलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनाइटेड बाय सम फॉर्म ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस, एन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनाइज्ड होल एज द सोलर सिस्टम और अ न्यू टेलीग्राफ सिस्टम. कह रहे हैं कि आप निकाय को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये कुछ वस्तुओं का संग्रहण है जिनमें कुछ रेगुलर इंटरैक्शन होता है, एक दूसरे पर उनकी इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं और मिलकर एक होल बनाते हैं, एक संपूर्णता को प्रदान करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम, आपका टेलीग्राफ सिस्टम हो सकता है, आपके शरीर के जितने सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ये सब कुछ. तो क्रंकलटन एंड फिंच ने सिस्टम को डिफाइन किया, इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी कि तत्वों का संग्रहण है, तत्वों को इकट्ठा किया गया है जो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, मतलब सबका लक्ष्य एक ही है, ये नहीं कि सारे ऑर्गन अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं. A system is a set of interrelated and interdependent constituent parts arranged in a manner that produces a unified whole. यानी कि system क्या हो गया? समुच्चय हो गया, संग्रहण हो गया, एक दूसरे पर जो उन उसके घटक दल जो हैं, उसके जो घटक भाग हैं, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस तरीके से अरेंज किए गए हैं ताकि एक वो संपूर्णता को प्रदान करते हैं. तो दो तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम. आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि डिस्कस स्कूल एज एन ओपन सिस्टम, ऐसे करके ना. तो क्लोज सिस्टम क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड इंटरैक्ट्स लेस विद इट्स आउटर एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर gets little feedback from it is called a closed system. वो निकाय बंद निकाय कहलाएगा, वो संस्थान, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर यानी कि एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, एनवायरमेंट से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए एनवायरमेंट से उसको कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा है. तो ये सिस्टम क्या होंगे? सेल्फ सफिशियंट एंड सेल्फ रेगुलेटरी, यानी कि स्वयं में वो सफिशियंट है, संपूर्ण है, स्वयं नियामक है, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है बाहर किसी एलिमेंट की. इट इज अ नॉन अडेप्टिव सिस्टम, चूंकि एकदम क्लोज्ड है इसलिए इसमें अनुकूलन भी नहीं, जैसा है वैसा है, एज इट इज. बट ओपन सिस्टम क्या है? एन ओपन सिस्टम इन कंपैरिजन कंटिन्यूअली इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, लेकिन जो खुला तंत्र है, जो खुला निकाय है, वो लगातार सतत रूप से वातावरण से इंटरैक्शन करता रहता है, रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के वातावरण से उसको इनपुट मिलते हैं, प्रोसेसेस वो उनको प्रोसेस करता है, प्रक्रिया प्रदान करता है और आउटपुट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देता है. Therefore, this system is always well informed about various changes that occur within its surroundings and its position is relative to these changes. यानी कि चूंकि बाहर से इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, आउटपुट बाहर जा रहा है, तो बाहर यानी कि वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो इसको परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है और ये उसके प्रति संवेदनशील होता है. तो ये तो हो गया क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम. फिर सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खास गुण होते हैं इसके, जैसे सब सिस्टम मतलब उसका उपनिकाय. तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटीग्रेटेड एंड पर्पसफुल सिस्टम विच कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि एक संगठन जो है वो कि एक एकीकृत, एक उद्देश्य सो उद्देश्य पूर्ण तरीके से निर्मित सिस्टम होता है जिसमें कुछ सब सिस्टम होते हैं, मतलब वो कुछ सब सिस्टम से मिलके बना होता है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. दीज एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम.
ईच सबसिस्टम इन्फ्लुएंसेस द अदर सबसिस्टम्स एंड द सिस्टम एज अ होल, और जो हर उपनिकाय है वह दूसरे उपनिकाय को और पूरे निकाय को प्रभावित करता है। फिर सिनर्जी, ईच सबसिस्टम डिराइव्स इट्स पावर बाय इट्स इंटर रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद द अदर सबसिस्टम्स। जो हर सब यानी उपनिकाय है वो दूसरे उपनिकाय से ही शक्ति ऊर्जा डिराइव करता है, उत्पन्न करता है। एज अ रिजल्ट द कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन द क्यूमुलेटिव ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज नोन एज सिनर्जी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंटायर सिस्टम टू इक्वल मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि हम कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर करेंगे तो हमारी ऊर्जा में कुछ वृद्धि हो जाएगी क्योंकि हमको दूसरे से कुछ इनपुट मिल जाएगा। तो यही सिनर्जी है, मतलब एनर्जी में समेशन हो गया तो वो सिनर्जी बन गया है कि जो निकाय की संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण शक्ति होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की शक्तियों के योग से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ फोर एलिमेंट्स, चार तत्वों से मिलकर बनता है। इनपुट जो आप प्रदान कर रहे हैं, जो हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में ये ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। मटेरियल रिसोर्स भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके फर्म में है वो सारा मटेरियल रिसोर्स, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो ह्यूमन रिसोर्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, उसमें प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजीरियल प्रोसेसेस टू द इनपुट, आप क्या शिक्षक हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या इनपुट दे रहा है, मैनेजर क्या इनपुट दे रहा है, फिर उससे आउटपुट निकल रहा है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिराइव्ड फ्रॉम इनपुट, और फीडबैक रिवीजन सॉरी रिएक्शन और रिस्पांस फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द आउटपुट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनपुट्स इंक्लूड रिसोर्सेज। इनपुट का मतलब हो गया वो सारा तंत्र रिसोर्स जो हमको मिलता है, जैसे कि कच्चा माल, तो कच्चा माल यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगी, जो आपने पैसा उसमें पूंजी लगाई है, कौन सी टेक्नोलॉजी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से मानव संसाधन आपके पास हैं। दीज इनपुट्स गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। अब यही जो इनपुट मिला है इन्हीं पर प्रक्रिया या इनका रूपांतरण किया जाएगा। योजना बनाएंगे, कुछ संगठन करेंगे, कुछ उनको मोटिवेट करेंगे, कुछ उनको नियंत्रित करेंगे, और एक्चुअली फाइनली आप चाहेंगे क्या कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव है उसको आप प्राप्त कर लें, उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। फिर द आउटपुट्स आर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइंड टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी फॉर कस्टमर्स और क्लाइंट्स। चूंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर हो जाएंगे, हमारे क्लाइंट हो जाएंगे, बट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्लाइंट और कस्टमर आपका यही टीचर स्टूडेंट होगा। फिर फीडबैक इंक्लूड्स कमेंट्स रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कस्टमर्स और क्लाइंट्स और हु आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स। अगर मैनेजमेंट में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप कस्टमर क्लाइंट्स कहिए, अगर आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहिए कि टीचर स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्जियन सब फीडबैक देंगे ना कि भाई आप कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी बातें। फीडबैक इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। और जो ये फीडबैक होता है, जो प्रतिपुष्टि होती है, वो लाभदायक होती है हमको अपना मूल्यांकन करने के लिए और पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहें उसकी फंक्शनिंग, तो उसके लिए पता चलता है ना क्या गलतियाँ हैं, कहाँ कमी है। अब आइए सिस्टम अप्रोच पे। तो ड्यूरिंग द 1960s रिसर्चर्स बिगेन टू एनालाइज ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ए सिस्टम्स पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंस से निकल के आए ना, वहीं हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं। तो 1960 के आसपास जो अनुसंधानकर्ता थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, बिजनेस फर्म है आपका, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें। This is a contemporary approach that could be described as an intellectual discipline for utilizing science and technology to attack complex large-scale problems to solve it by an objective, rational, complete and thoroughly professional method called the systems approach and is also known as management technology. यानी कि उस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत विज्ञान का प्रभुत्व था समाज में, तो ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम वैज्ञानिक और ये तकनीकी अनुशासनों के नियम को अप्लाई करके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको हम सॉल्व करें वस्तुनिष्ठ तरीके से, मतलब हम बिल्कुल बायस ना हो, हम बिल्कुल तार्किक तरीके से चलें, हम बिल्कुल प्रोफेशनल चलें, तो इसको सिस्टम अप्रोच कहा गया, या इसको मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ ब्रॉट टू एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो इसने क्या किया, जो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व करने एक वैज्ञानिक उपागम प्रदान किया। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल एजुकेशनल सिस्टम। और ये एक तरीके से क्या हुआ कि हमने एक प्रभावपूर्ण और मितव्ययी तरीके से, मतलब कम खर्चे में, हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने एजुकेशनल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं।
इसमें होता क्या है, इट स्टार्ट्स बाय डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हार्मोनियस ऑप्टिमम असेंबली ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दैट विल कॉज दिस सिस्टम टू ऑपरेट एंड टू फिल द नीड बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, परिभाषित करते हैं, फिर हम जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको हम एक समन्वय उनमें स्थापित करते हैं, उनसे मैक्सिमम हम कितना आउटपुट पा सकते हैं उसके लिए हम प्लान करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सिस्टम्स अप्रोच हैज बीन डिफाइंड बाय ट्वेल्कियर एज ए मैनेजमेंट टूल दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंटररिलेट द इफेक्ट्स ऑफ वन सेट ऑफ डिसीजंस टू अनदर एंड टू ऑप्टिमली यूज ऑल द रिसोर्सेज एट हैंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी ये इस प्रकार का उपकरण है मैनेजमेंट में जो अनुमति देता है इंडिविजुअल्स को कि आपके पास जितना भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पक्ष है सबको देखिए क्या क्या आपके पास है, क्या आपको चाहिए, कैसे क्या पाना है, और फिर आप इस तरह से डिसीजन लीजिए, इस तरह से एक दूसरे को यूज कीजिए, ऑप्टिमली यूज मतलब मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना है जिससे कि आप जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी से समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप इसको एजुकेशन में अप्लाई कर दीजिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज आर व्यूड ग्लोबली एज सिस्टम्स, यानी कि पूरी दुनिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सिस्टम के रूप में माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्निकल, सोशल, मैनेजीरियल एंड इंस्टीट्यूशनल सब सिस्टम्स। और इसमें कितने सारे उप निकाय काम करते हैं शिक्षा में, आपका तकनीकी, सामाजिक, तकनीकी क्यों, आपने बहुत सारा उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रखी है, समाज से आपका लेना देना है क्योंकि आप ओपन सिस्टम है, उसमें मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे ये सब सब सिस्टम्स के रूप में काम करते हैं। दिस सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन दस कंसीडर्स एजुकेशन एज एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट, इनपुट हमको मिलता है, स्टूडेंट हमको मिल रहे हैं, हम उनको ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रदान कर रहे हैं, और बीच में हम क्या कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किसके द्वारा, टीचिंग और लर्निंग के द्वारा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पीपल, रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन हैव बीन कंसीडर्ड एज इनपुट। हमको जितने लोग मिले हैं, टीचर हमें, स्टूडेंट, और जो हमें संसाधन मिले हैं और जो हमको सूचनाएं मिली हैं, वही हमारा इनपुट है, और हम उसमें टीचिंग लर्निंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेसिंग करते हैं, और आउटपुट में हम वो निकालते हैं कि मतलब हम टीचर भी जब भर्ती होता है, नोविस टीचर होता है, से जब तक वो रिटायर होता है वो एक आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, मेच्योर, बढ़िया पर्सनैलिटी बन जाता है। स्टूडेंट्स हम उनको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करते हैं, डिजायर्ड आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब सिस्टम अप्रोच में चलता है। फिर अगर हम स्ट्रक्चर देखें एजुकेशनल सिस्टम का, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, वातावरण से मिल रहा है। तो इनपुट में हमको प्यूपिल मिला, शिष्य मिला, हम जो उसमें प्रशासनिक सेवाएं दे रही हैं, टीचर्स, हमारा मटेरियल, फाइनेंस, ये सब इनपुट है। प्रोसेसिंग क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस ही प्रोसेसिंग है। आउटपुट क्या है, अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, यही आउटपुट है। और फीडबैक बाहर से मिल रहा है। तो सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि आइडेंटिफाइंग, पहले हमको उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे ना कि हम कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो गोल है, जो हमको प्राप्त करना है, उसको लिख लीजिए, उसको सुनिश्चित कर लीजिए, फिर वो प्रोसेसेस, मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज सुनिश्चित कीजिए जो कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए मोस्ट रेलेवेंट हो। फिर हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल फाउंडेशन उसके नीचे लगाएंगे, बिल्ड करेंगे, निर्माण करेंगे कि हम उन प्रोसेसेस में कौन सा थ्योरेटिकल फाउंडेशन फिट हो रहा है। फिर हम स्पेसिफिक इंटरैक्शंस करेंगे, बहुत सारे जो कॉम्पोनेंट्स है सबका आपस में इंटरैक्शन कराएंगे ताकि हम उसकी प्राप्ति कर सकें गोल की। और फिर स्पेसिफाइंग द वेरियस काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स नीडेड इन द टोटल सिस्टम एट डिफरेंट पॉइंट्स, और बहुत तरीके के नियंत्रण भी लगाएंगे कि ऐसे करना है, इतने टीचिंग आवर होने चाहिए, ये आपको अचीव करना है, इतनी बार एग्जाम लेना है, ऐसे असेसमेंट होगा। ये सब क्या, एक तरीके का वेरियस काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स है। फिर सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन के कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले दिस सिस्टम अप्रोच फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द एंटायर सिस्टम। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा सिस्टम है, फिर आप उसको टोटैलिटी में एक उसका व्यू लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि आप कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, कैसे उसका इंटरैक्शन कराना है ताकि आपकी बेस्ट पॉसिबल वे में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। फिर आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, उसके क्राइटेरिया निकालने हैं। फिर हमको क्या करना है, पूरा पूरा इम्फेसिस किस पे है कि जो आउटपुट है, जो क्वालिटी है आउटपुट की, वो सुधर जाए। यही हमारा सिस्टम अप्रोच में कार्यक्रम है। और अगर हम इसके चरण ऐसे देखें तो सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, फिर डिजायर्ड सिचुएशन के लिए गोल सेट कीजिए, फिर उन गोल्स के अचीवमेंट मतलब गोल्स के अचीवमेंट के इवेल्युएशन के लिए मैकेनिज्म बनाइए, फिर आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी लेके चलिए, प्लान बी, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है थ्रू। देखिए जैसे ही मैनेजमेंट की बात होगी तो आपका कॉस्ट बेनिफिट आएगा, आपको सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा आउटपुट जहां मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर हम सिस्टम की डिजाइन डिटेल करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की आउटलाइन बनाएंगे, और फिर हम जो हमने इतना सब कुछ खाका तैयार किया उसको हम प्लान, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे।
तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, ये मैनेजमेंट के डायनेमिक नेचर पे लाइट देता है, प्रकाश देता है, एफर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए इंटीग्रेटेड फोकस प्रदान करता है, इंस्टीट्यूशन को एज अ होल मानता है, नॉट एज पार्ट्स, इट हेल्प्स इन द मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल सब सिस्टम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ये मैनेजर यानी कि एजुकेशनल मैनेजर को हेल्प करता है कि जो क्रिटिकल सब सिस्टम है उनको आइडेंटिफाई करें और उनका इंटरेक्शन आपस में संभव कराएं। इससे इंस्टीट्यूशन का इम्प्रूवमेंट होगा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को ये हेल्प करेगा ताकि जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेसिंग है वो बढ़िया हो सके। एक सिस्टमैटिक प्लानिंग प्रोवाइड करता है एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन को, जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इससे सुनिश्चित हो सकता है, और जो गाइडेंस सर्विसेज हमारे यहाँ चलती हैं वो भी मेंटेन, कंट्रोल और इम्प्रोवाइज हो सकती है। मतलब सार में क्या है, एक लाइन में कहें तो क्या है, जो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो किस तरह से आप बेहतर, बेस्ट, ऑप्टिमम कॉस्ट बेनिफिट तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यही सिस्टम अप्रोच है। हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ओके, दिस इज दिस सिस्टम अप्रोच। आप इसको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में लगाइए, एजुकेशनल मैनेजमेंट में लगाइए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लगाइए, तरीका यही होगा, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक अगेन, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन।